प्रिय मित्र नमस्कार, AFEIAS.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके साथ फिलहाल मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, और यह महत्वपूर्ण विषय है अभी जो सिविल सर्विस के प्री एग्जाम कुछ ही समय पहले हुए हैं, उनमें जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, उस पेपर की मैं आपके सामने समीक्षा पेश करने जा रहा हूं। और यह समीक्षा, सच पूछिए तो ज्यादा से ज्यादा मेरी कोशिश रही है कि आपके लिए व्यावहारिक हो और इस तरीके की हो ताकि अगर आप 2018 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह समीक्षा आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सके, आपको एक व्यवस्थित, बहुत ही सुगठित और एक साइंटिफिक रास्ता दिखा सके। फ्रेंड्स, मैं जो ये समीक्षा है आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यह एक ही तरह की नहीं है, यानी कि मैं सिर्फ विषय को आधार बनाकर आपके सामने यह नहीं बताने जा रहा हूं कि किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। डेफिनेटली यह तो मैं बता ही रहा हूं। मैंने अपनी इस समीक्षा को बहुत विचार करने के बाद तीन आधार पर विभाजित किया है, और तीनों आधार इसके बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इसमें से कोई भी आधार न तो कमतर है और न ही बेकार है। मैं शुरू से ही आपको इस बात के प्रति थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न इस बात से होता है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। इसके बाद वो इस बात पर आ जाते हैं कि किस किताब से ज्यादा क्वेश्चन आए की जगह बल्कि वे शब्द का इस्तेमाल करते कितने फंसे, किस मैगजीन से पूछे गए, किस अखबार से सबसे ज्यादा प्रश्न आए, इस तरह का कंसर्न उनका सबसे ज्यादा रहता है। मित्रों, मैं आपसे सब्जेक्ट के बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन मैंने दो और नए आधार चुने हैं। उसका एक और आधार है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका बेसिकली लेवल क्या है। अभी मैं जब समीक्षा करूंगा तो आप इस तथ्य को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और तीसरा आधार है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका फॉर्मेट क्या है, फैब्रिकेशन क्या है, उनकी बुनावट क्या है। इन तीन आधारों पर मैं आपके सामने 2017 का जो प्री का एग्जाम हुआ है मित्रों, उसकी समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए मैं सबसे पहले आधार पर बात करता हूं जो सब्जेक्ट को लेकर है। इसके बारे में मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि सब्जेक्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। आपको मालूम है कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कितने कितने क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए। मैं यहां स्पष्ट कर दूं फ्रेंड्स कि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। जैसे मैं अगर किसी के बारे में 10 बता रहा हूं तो वहां आपको 9 दूसरे व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है, 11 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी रेंज में होगा। उसका कारण यह है कि कुछ उसे करंट अफेयर्स में काउंट कर लेते हैं, कुछ दूसरे सब्जेक्ट में उसे काउंट कर लेते हैं, नहीं कुछ तो वह वेरिएशन आता है। उस वेरिएशन का कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है, महत्व तो इस बात का है कि अप्रोक्सीमेटली इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तो आइए पहले हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि 2017 में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आंकड़ों का जंजाल जरूर है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट होती चली जाएंगी। फिर शुरू में मैं चार पिलर की बात करता हूं जिसे मैं जनरल स्टडीज के 4 पिलर्स कहता हूं। उसमें एक पिलर है हिस्ट्री, हिस्ट्री से इस बार 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा पिलर है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे हैं 21। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आप इंडियन पॉलिटी भी ले सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं 33। फ्रेंड्स, इसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को एक साथ ले लें तो उनकी संख्या है 22, और इंटरनेशनल रिलेशंस से पूछे गए हैं 11, यानी कि टोटल 33। ये 4 पिलर्स हैं जनरल स्टडीज के, 4 मुख्य स्तंभ, और अगर हम इन चारों को मिला दें तो टोटल हो जाते हैं फ्रेंड्स 72। सोच करके देखिए कि 72 क्वेश्चंस इन चारों पिलर्स से आए हैं, राइट? इसके बाद इस बार के पेपर में एक बड़ी विशेषता यह रही है कि प्लानिंग से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं अलग अलग, उससे 8 प्रश्न पूछे गए हैं। प्लानिंग से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही रही है।
ठीक यही स्थिति एनवायरमेंट की भी रही। पर्यावरण से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो काफी बड़ी संख्या है। इसके बाद फ्रेंड्स कला से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विज्ञान से 6 हैं, और 2 अदर्स में मैंने डाल दिए हैं, उसे आप किसी सब्जेक्ट में दूसरे में अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं थोड़ी सी दूसरी बातें भी आपसे फ्रेंड्स करना चाहूंगा। देखिए अभी मैंने कहा कि 72 क्वेश्चन 4 पिलर्स से पूछे गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम प्लानिंग को भी अगर शामिल कर लें, क्योंकि प्लानिंग में भी देखिए कोई तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ज्यादातर तो अर्थशास्त्र से संबंधित योजनाएं होती हैं, और अगर हम इन 8 को शामिल कर लेते हैं तो पता लगा कि 72+8 यानी कि 80 क्वेश्चन केवल इन 4 पिलर्स से पूछे जा रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि 80 क्वेश्चंस, राइट। ये तो एक फॉर्मेट हुआ, और इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं, 2 बातें आपसे और करना चाहूंगा। अब मित्रों इसमें जो करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने सब्जेक्ट देख लिए, उसे अब हम किनारे करते हैं। जो करेंट अफेयर्स सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनकी संख्या है लगभग 36, जो मैंने अपनी तरफ से काउंट किया 36 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स पर बेस्ड है, जो अलग अलग सब्जेक्ट पर आधारित है। 2016 में पिछले साल जो आपको ताज्जुब होगा जानकर के कि समाचार पत्रों से एक शब्द आता है प्रश्न में कि समाचार पत्रों में इसका उल्लेख था, समाचार पत्रों से, पिछले साल 2016 में केवल समाचार पत्रों वाले क्वेश्चन थे 23 थे, यानी कि पूरे के पूरे करंट से होते हैं, लेकिन इस बार केवल 6 है, इस बार उनकी संख्या काफी कम हो गई है। इसके फ्रेंड्स बकायदे रीजंस होते हैं, लेकिन अभी मैं रीजंस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि उससे थोड़ा सा भटकाव हो जाएगा। अब मैं दूसरे आधार पर आता हूं, सब्जेक्ट के आधार की मैंने अभी आपसे बात की है, अब मैं इसके दूसरे आधार पर आता हूं जो मैंने वर्गीकृत किए हैं, और वह है प्रश्नों के स्तर को लेकर। देखिए सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सवाल ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे बड़ा सवाल यह होता है, चुनौती जहां से आपको मिलती है वह यह कि किस तरीके से पूछे गए हैं ना करके, और तरीका सब कुछ बदल, एक ही टॉपिक के एक ही प्रश्न को एक ही तथ्य को बहुत सरल तरीके से पूछा जा सकता है, मीडियम बना करके पूछा जा सकता है, कठिन बना करके पूछा जा सकता है, या उसको आप अंडरस्टैंडिंग पर बेस पूछ सकते हैं कि अगर आपने विषय को बहुत अच्छे से समझा है तब तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज उत्तर नहीं दे पाएंगे। और ठीक इसी तरह से उसको कॉमन सेंस के आधार पर पूछा जा सकता है कि अगर आप में उस सब्जेक्ट को लेकर कॉमन सेंस है तब तो आप उसका उत्तर देने की स्थिति में होंगे, अदरवाइज आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अभी मैंने जिस आधार की चर्चा की है क्वेश्चंस के लेवल की, फ्रेंड्स आइए मैं थोड़ा सा उधर आपको ले जाना चाहूंगा। ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन, मैं थोड़ी सी रेंज बताऊंगा, है ना। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मैं लेवल की बात कर रहा हूं तो इस लेवल का मेरा संबंध उस स्टूडेंट से है, यानी कि मैंने उस स्टूडेंट को अपना मानक बनाया है जो इस बार के सिविल सर्विस में 45-50% स्कोर करने की उम्मीद कर रहा है, 45-50%, मतलब सेलेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन वह इतने स्कोर कर लेगा ये मानकर चलता है। थोड़ा रेंज और बढ़ा दीजिए इसको, 40-50 कर दीजिए, तो उस स्टूडेंट की जो तैयारी है उस स्टूडेंट को मैंने एक मानक बनाकर इन प्रश्नों के लेवल निर्धारित किए हैं। तो मित्रों ये जो लेवल की बात है इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला है सरल प्रश्न, आसान क्वेश्चन, इसके तहत 12-13 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। फ्रेंड्स मैं यहां आपको क्वेश्चन बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं एक एक नमूना का नंबर आपको जरूर दे रहा हूं। मैं जिस क्वेश्चन पेपर के नंबर आपको बता रहा हूं उसका सेट है दोस्तों डी, ABCD। डी क्वेश्चन पेपर के मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा और उस क्वेश्चन नंबर को देखकर आप शायद मेरे इस स्तर के वर्गीकरण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं उन क्वेश्चन के बारे में यहां पढ़ नहीं रहा हूं, है ना, कि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो 12-13 क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान श्रेणी के रखे हैं कि जो स्टूडेंट थोड़ी सी भी तैयारी करेगा वह इनके उत्तर दे लेगा, केवल 12-13 क्वेश्चन। इसके बाद दूसरे में मैंने रखा है फ्रेंड्स मध्यम श्रेणी के, यानी कि थोड़ी सी अच्छी तैयारी, सामान्य तैयारी से आप उसके उत्तर नहीं दे सकेंगे, थोड़ी सी मध्यम श्रेणी की तैयारी। तो दोस्तों जो आसान क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं 29,
डी सेट के पेपर में, और जो मध्यम श्रेणी के क्वेश्चंस में मैंने जिसको रखा है, तो नमूने के तौर पर आप पेपर में जाके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इसे मैं मध्यम श्रेणी मान करके चलता हूं, यानी कि जिस लड़के ने भी थोड़ी सी अच्छी तैयारी की है वो इसके उत्तर दे लेगा। इसके बाद है तीसरा स्तर मित्रों, वह कठिन क्वेश्चन जो कठिन है, तथ्यात्मक दृष्टि से कठिन है, जिनके उत्तर दे पाना उतना आसान नहीं है, जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत अच्छी, मध्यम श्रेणी में तो अच्छी प्रिपरेशन, लेकिन जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वह उनके उत्तर दे पाएगा। और इसके तहत मैंने एक नमूने के तौर पर सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 62, और इसके तहत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कठिन श्रेणी के मित्रों, उसकी संख्या है 20 से 22 के बीच में, और मध्यम श्रेणी के क्वेश्चंस की संख्या है वह भी 20 से 22 के बीच में, यानी कि मध्यम श्रेणी के भी जो क्वेश्चन है वो 20-22 हैं, और कठिन जो क्वेश्चन है वे भी 20-22 हैं। अब आप इसी रेंज में पाएंगे बाकी सबको, लगभग इसी रेंज में। इसके बाद अगला जो मैंने रखा है फ्रेंड्स, वो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, यानी कि आपने विषय को केवल पढ़ा नहीं है, रटा नहीं है, बल्कि विषय को समझा है और गहराई में जाकर समझा है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक फिलॉसफी होती है, आपने सब्जेक्ट की फिलॉसफी को समझा है, और सब्जेक्ट की फिलॉसफी पर, जिसे मैंने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कहा है, उससे वह है लगभग 19 से 21 क्वेश्चन पूछे गए, 19-21 क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड। इसके लिए मैं आपको फिर से उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, वह है 27, डी सेट का क्वेश्चन नंबर 27, और जो अंतिम जो मेरा आधार है फ्रेंड्स, वह कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस में मैंने अंतर इस रूप में किया है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपने सब्जेक्ट को डेप्थ में समझा है, सब्जेक्ट की गहराई में उतरे हैं। कॉमन सेंस का अंतर थोड़ा सा उससे इस मायने में है कि आपने सब्जेक्ट को तो पढ़ा ही है, समझा भी है, लेकिन केवल समझने के आधार पर आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। आपने कहीं से शब्द की व्याख्या करके सही उत्तर तक अपनी पहुंच बनाई है, कहीं ऑप्शन के आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंच गए हैं, कहीं कुछ सुन लिया था, कहीं कुछ देख लिया था, कहीं कुछ धुंधली तस्वीर दिमाग में बनी हुई है, उसके आधार पर आप सही उत्तर दे पा रहे हैं, उसे मैंने कहा है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस पर आधारित जो प्रश्न है फ्रेंड्स, उनकी संख्या है लगभग 25, और नमूने के बतौर मैं फिर से एक क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूं, वह है 14। तो मित्रों, ये पांच जो लेवल्स क्वेश्चन के हो सकते हैं जो मैंने अपनी तरफ से निकाले हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि ये इक्वली चैलेंजेस आपके सामने प्रस्तुत करता है, ऐसा नहीं है कि केवल सब्जेक्ट ही सब कुछ है। फ्रेंड्स, अब मैं अंतिम आधार पर आता हूं। पहले आधार के तहत मैंने देखिए विषय की बात की है, दूसरे आधार के तहत मैंने क्वेश्चंस के लेवल की बात की है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। अब तीसरे आधार पर मैं बात कर रहा हूं प्रश्नों की बुनावट के बारे में कि उनका फॉर्मेट कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि देखिए पूछने के ढंग पर बहुत ज्यादा यह बात निर्भर करती है कि आप उसके उत्तर में कितना उलझेंगे, कितना आसानी से उत्तर दे लेंगे, या बुनावट में ही कुछ ऐसे सूत्र दिए जा सकते हैं कि आप कठिन होने के बावजूद भी उत्तर ढूंढ लें, तो बुनावट कैसी है। तो बुनावट में मैंने खासकर फॉर्मेट को रखा है। अब देखिए कि आप इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक तो सीधे सीधे चार विकल्प दे दिए जाते हैं ना, ABCD, इसमें से सही का चुनाव कीजिए या गलत का चुनाव कीजिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस 43 है, सबसे ज्यादा संख्या ऐसे क्वेश्चन के 43, जिसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको एक को टिक करना है। इसके बाद दो कथनों वाले, यानी कि दो स्टेटमेंट है 1-2, और इसके बाद फिर नीचे कोट दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या है 22, 43+22, यानी कि जो 65 क्वेश्चंस हैं, फॉर्मेट की दृष्टि से मैं इन्हें सरल मानता हूं, क्योंकि ये आपको ज्यादा उलझाते नहीं है। इसलिए मित्रों, बहुत लोगों के दिमाग में ये धारणा बन जाती है कि इसमें तो बहुत ही जटिल होते हैं स्टेटमेंट, और फिर स्टूडेंट उलझ जाता है। डेफिनेटली वह उलझता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए देखिए कि यूपीएससी ने 65 क्वेश्चंस तो बहुत आसान फॉर्मेट के दे रखे हैं, क्योंकि दो स्टेटमेंट वाले में आप ज्यादा उलझते नहीं है। इसके बाद तीन स्टेटमेंट होते हैं, 1-2-3, और फिर उसके कूट दिए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या है 31,
और जिसमें चार स्टेटमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, और फिर कोट दिए गए हैं जो आपको सबसे ज्यादा भारी लगते हैं, सबसे ज्यादा डरावने भी लगते हैं। मित्रों, खुशी की बात यह है कि उनकी संख्या केवल 4 है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 4 बाकी के 96 पर इतने भारी पड़ते हैं कि हमारे दिमाग में इंप्रेशन ये बनता है कि सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं और हम घबरा जाते हैं। वो तो केवल 4 है। आपकी मदद, यूपीएससी मित्रों आपके साथ सदा सहायता रख, आपकी मदद करना चाहता है, चूंकि उसे बेस्ट का चयन करना है, तो अब ऐसा नहीं कि वो इतनी मदद करने लगे कि सबकी मदद हो जाए और बेस्ट का चयन करने में फिर उसको दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चन पेपर जो 2017 का प्री का है, जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, उसकी समीक्षा 3 आधारों पर प्रस्तुत की है। आप इस पर थोड़ा सा अपने ढंग से विचार करें और इसी के कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट वीडियो में अब इसी को आधार बनाकर, इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी की पृष्ठभूमि में आप कह लीजिए कि मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि आपको 2018 के अपने प्री एग्जाम के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसके बारे में मैं फिर थोड़ी बात करूंगा। फ्रेंड्स, इसी विषय से संबंधित एक लेख AFEIAS.com पर अवेलेबल है। इसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे द्वारा आपको ऐसे वीडियो और प्रोवाइड किए जाते रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल AFEIAS को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।